गैस, यह एक छोटी सी ट्रिप है जहां BHU के विजुअल आर्ट के अप्लाइड आर्ट के विद्यार्थीगण शामिल है और सभी विद्यार्थी पहली बार इस ट्रिप पर जा रहे हैं। इससे पहले कभी नहीं गए थे और यह ट्रिप मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए गैस, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग भी हम लोगों के साथ शामिल हो जाइए और इस जर्नी का मज़ा लीजिए। हम लोग जा रहे हैं सारनाथ। हेलो सारनाथ गाइस, सारनाथ ये बिजनेस है। अंशुल चुपचाप है। ये खुशबू का रखेल है। ये क्या बोल दिया भाई, वीडियो बना है। अरे ये क्या बोल दियो, हम लोग सबको लंका जा रहे हैं और सबको वहाँ पर वेट करेंगे। क्लास वाले लोग वहाँ से लंका से जाएगी बस, सारनाथ जाएगी डायरेक्ट। तो अभी जो जो आता है वहीं पर हम लोग सामने देख रहे हैं, वो BHU का प्रवेश गेट है। अरे यार, गर्म है यार, टाइम से पहले आ गया, टाइम से पहले आ गया भाई। ये सिटी बस है और एक एक घंटा के अंतराल पर चलते रहती है और ये डायरेक्ट सारनाथ जाएगी। अगर आप लोग भी बनारस आते हैं और सारनाथ जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लंका जाना होगा। वहाँ पर 9 बजे और 10 बजे बस मिलेगी। सबसे पहले तो 9 बजे मिलती है वहाँ, जल्दी परफेक्ट टाइम पे। लंका से सारनाथ की दूरी 13 किलोमीटर है और यहाँ से जाने से 1 घंटा आसपास लग जाएगा। अभी उससे भी ज़्यादा लग सकता है क्योंकि ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ऐसे बस AC बस है और काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा अभी गर्मी में। चलो भैया, चलो भैया भर गए, चलो बैठो, चलो भैया भर गए सर, चिंता नहीं भर गए, एक सीट खाली है। मैंने मारा नहीं, वही कहाँ गए यहाँ से, रोको तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24 ही है ना भाई यार, 24 लोग ट्रैफिक पर डिपेंड करता है सर। सर वो आंध्रपुर के रास्ते जाएगा ना, तो जाम हो सकता है। अरे आंध्रा पुल हो रहा है, आंध्र प्रदेश सेल्फी ले लेना। गाना चेंज कर दे भाई, इमोशनल हो जाना भाई, रोने लग जाऊंगा मैं। शरबतोचा
Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood and sick. एक घंटा ट्रैवल करने के बाद हम लोग सारनाथ पहुंच चुके हैं। आइए सारनाथ में स्वागत है आपका। यहाँ पर QR कोड लगा हुआ है और हम लोग यहाँ पर स्कैन करके ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। आपने जब यहाँ आने से उसके बाद जब बात हुई थी जयपुर में थे, बहुत अच्छा था। हम चाहते थोड़ा सा आपको दिखा दें, थोड़ा सा आइडिया दे दें। आप लोग इसके अंदर जाइए, फोटोग्राफी कीजिए, बहुत अच्छी लाइट, बहुत अच्छी जा रही है। सबसे पहले उपदेश यहीं पर दिए थे सारनाथ में, जो पूरी दुनिया में विख्यात हुआ था। अंदर है, चलो अंदर घुसते हैं, फिर बात करते हैं। अभी बहुत समय है, अभी घूमते हैं। इधर आ जाइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहा जाता है कि बौद्ध परंपरा के अनुसार सारनाथ वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने लगभग 528 ईसा पूर्व 35 वर्ष के आयु में बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। चार सिंहों वाला अशोक स्तंभ भी यहीं पर बनाया गया था और यह भारत का
प्रतीक चिन्ह भी है। नाइस है, Did you paint it now? Yeah, this is one of the water colors. Medium color. धामे के स्तूप की लंबाई और चौड़ाई 92 फीट है और ऊंचाई 141 फीट है। थोड़ा थोड़ा दूर रहो, पहले बराबर थोड़ा सा दूर रहो। हाँ भाई, आगे पीछे कर लो। नहीं तब बढ़िया लगेगा, आगे पीछे कर लो। कोई यहाँ पे खड़ा हो, कोई यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे आगे पीछे, बढ़िया कम्पोजिशन। नहीं पाया फोकस नहीं पता ना, क्यों नहीं पता किसती है। अरे ठीक है ना, ऐसे भी चलो हो गया भाई, हो गया। अरे बैठू नहीं करता भागो मनी सब भागो अरे अरे बौद्ध धर्म का विकास सर्वप्रथम अशोक के शासन काल में ही हुआ। उसने सारनाथ में धर्मराज्य का स्तूप, धामे के स्तूप और सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया। यहाँ पर भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा बनवाई गई है और जल्दी पल्दी में हम लोग यहाँ पर नहीं घुस पाए, आधा ही घुस पाए थे और हम लोग जल्दी जाना था तो ऐसे ही हम लोग जा रहे हैं। चलो चलो, अरे बस आ गई, सब क्या बुला 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 अरे रोहित भाई, अरे उनको घूमने दो। अरे यार क्या चीज का, अबे वो नहीं जाएगा। अबे मत भेजो भाई, अभी वो नहीं, मैं खाने का इंतजाम ना करूँ। हाँ खाने का करो सर, भूख लगी हो बहुत तेज, उसमें पैसा डालो।
22 लोग हैं लंका के लिए। ये बच्चा खो गया, कहाँ गया भाई? चेतू बच्चा सपनों में रोज आए आज जिंदगी में आना, ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। सपनों में रोज आए जा धंधा करने जा। अरुण संदिग्ध है, ये अपराधी है, बहुत बड़ा अपराधी है ये। सर इसकी जगह हमको तो नहीं बोलते। अबे क्या कर रहे हैं।